हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं व्लॉग्स विद सुल्तान। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की फेमस यूनिवर्सिटी, बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी बीबीडी यूनिवर्सिटी की तरफ, जो कि पूरे हिंदुस्तान भर में फेमस है। और लखनऊ, ये लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर स्थित है। ये पीछे की तरफ जो बिल्डिंग दिख रही है, यही बीबीडी यूनिवर्सिटी है। काफ़ी भव्य बनी हुई है, किसी महल से कम नहीं लग रही है। तो आज हम इसका कम्प्लीट टूर कराएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, मैं बीबीडी स्टूडेंट रह चुका हूँ। 2015 से 19 बैच में मैंने यहाँ बीटेक किया है। तो आज अपने कॉलेज का व्लॉग करूँगा। कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी थी यहाँ की। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये पीछे की तरफ इसका कैंपस काफ़ी अच्छा है। यहाँ की कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है कॉलेज। तो आज हम कम्प्लीट व्लॉग में बीबीडी का कोना कोना आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बीबीडी यूनिवर्सिटी का लुक बिल्कुल फिल्मी है। उसके अलावा यहाँ सामने अखिलेश दास जी की मूर्ति लगी हुई है। तो बीबीडी का व्यू इसलिए भी अच्छा आता है कि बिल्कुल सामने इसका हाईवे पड़ जाता है, और ऊपर से नीचे तक का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छे लेवल की यहाँ पर हो जाती है। उसके अलावा पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको दिखाऊँगा, पूरे कम्प्लीट टूर आपको यहाँ पर कराऊँगा। बीबीडी में ग्रीनरी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो यहाँ एंटर करते ही बहुत बढ़िया सा हॉल आपको मिलेगा। उसके अलावा देखिए, पोस्टर एनएसएस का लगा हुआ है, और साथ ही साथ ये सामने जो जो स्कूल्स यहाँ पर चलते हैं, जो जो क्लासेस चलती है, उसका भी बोर्ड लगा हुआ है। एग्जाम टाइम में बैग रखने के लिए, अपना सामान रखने के लिए रैक भी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड की जाती है, और यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ सामने की तरफ बाबू बनारसी दास जी की तस्वीर लगाई गई है, और बैठने के लिए काफ़ी अच्छा हॉल भी यहाँ पर बनाया गया है। सीटिंग प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी यहाँ की है। उसके अलावा ये मैनुअल्स लिखा हुआ है यहाँ पर बाहर, किस सन में क्या हुआ, कैसी इनकी अचीवमेंट रही है। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगी। बाबू बनारसी दास का संक्षिप्त परिचय देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कब पैदा हुए और मरने तक उन्होंने कौन कौन सा काम किया। और पूरे उत्तर प्रदेश लेवल की काफ़ी अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटी आती है। तो ऊपर तक देखिए कितने अच्छे से डिज़ाइनिंग की गई है। तो चलिए मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। और देखिए साइन, ये ब्लैक बोर्ड पर जो है बच्चों के द्वारा बनाया गया साइंस वॉल लगाया गया है। उसके अलावा तरह तरह के कॉम्पिटिशन यहाँ पर होता रहता है, और इन खिड़कियों से बीबीडी के कैंपस का नज़ारा देखते ही बनता है। देखिए ग्रीनरी कितनी बेहतरीन लग रही है, सब बीबीडी कैंपस के अंदरूनी हिस्सा है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा एडमिशन यहाँ मैनेजमेंट में होता है, बीकॉम एमकॉम में, बीबीए एमबीए में काफ़ी ज़्यादा एडमिशन होता है। उसके बाद बीटेक सीएस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। एलएलबी भी यहाँ का अच्छा है, एलएलबी का लेकिन डिपार्टमेंट जो है एच ब्लॉक में चलता है, वो दूसरा है। तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के यहाँ पर तीन विंग हैं। तो सेकेंड फ्लोर पर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट चलता है, जिसमें बीबीए की क्लासेस चलती हैं। हर फ्लोर पर यहाँ तीन विंग आपको मिल जाएगी। ये देखिए दूसरा विंग भी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का है, यहाँ भी बीबीए की क्लासेस चलती हैं। कभी कभी बीबीए के 8 सेक्शन हो जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्लासेस यहाँ पर है, क्लासेस काफ़ी अच्छे से डेकोरेट की गई है। देखिए अंदर की क्लासेस की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीटिंग प्लान है, अंदर आप बैठ सकते हैं। बेसिकली हम बीबीडी के क्लास रूम में हैं, हमारे क्लास रूम ऐसे ही होते थे। देखिए यहाँ पर डस्टर रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डस्टर रखा हुआ है। उसके अलावा एक ब्लैक बोर्ड है, यहीं पर ये सीटें लगाई गई हैं। कभी हम लोग बैक बेंचर हुआ करते थे, कभी आगे सीट मिलती थी, कभी कभी लेट हो जाता था क्योंकि एनएसएस का काफ़ी काम रहता था। तो हम आपको बताते चले, क्लास में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है बीबीडी के, और यहाँ के क्लासरूम में आने के बाद एक अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश भर से आए हुए बच्चे आपको मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पढ़ने आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर पूरा भरपूर इंजॉय करिए, 4 साल हर तरह की मस्ती करिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए। तो ये देखिए क्लासरूम किस तरह के होते हैं, आगे की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। और ये देखिए 9 से 5 जो क्लासेस चलती है, उसका रूटीन यहाँ पर चिपकाया गया है, कैसे रेगुलर क्लासेस यहाँ पर चलती है। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन पढ़ाने आते हैं टीचर। उसके अलावा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का एक विंग ये भी है। उसके अलावा यहाँ 2 लिफ्ट आपको मिल जाएगी, जो कि 9th फ्लोर तक जाके खुलती है, पूरा 9th फ्लोर तक बना हुआ है। तो उसके अलावा यहाँ की उड़ान कम्युनिटी भी काफ़ी फेमस है, आयना है, एनएसएस है, ऐसे कई कम्युनिटीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो बिल्कुल आप दिखाइए। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बाहर है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की डिपार्टमेंट चलती है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, मगर इंजीनियरिंग की जो क्लासेस हैं वो ऊपर स्टार्ट होती हैं या नीचे स्टार्ट है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ऊपर इंजीनियरिंग की जो
307 तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, लेकिन हम लोगों का जो बैच चलता था कंप्यूटर साइंस का, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, वो ऊपर चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए की क्लासेस फोर्थ फ्लोर तक चलती है, यानी मैनेजमेंट की क्लासेस फोर्थ फ्लोर तक चलती है। फिफ्थ फ्लोर पे एक मैनेजमेंट की क्लासेस है एक विंग की, उसके अलावा इंजीनियरिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की भी क्लासेस चलती है। देखिए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट फिफ्थ फ्लोर पे भी आपको एक मिल जाएगा, कुछ बदलाव हो गया तो बात अलग है। उसके अलावा यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट की दो विंग्स चलती हैं, यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट्स की पढ़ाई कराई जाती है। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लगता है, काफ़ी अच्छा पढ़ाई का माहौल है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और देखिए विंग्स किस तरह की होती हैं, फर्स्ट ईयर की क्लासेस विंग्स ए में चलती हैं, सेकंड ईयर की विंग बी में चलती है, तो ऐसे ऐसे बांटा गया है। उसके अलावा देखिए कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो चेयर घसीट कर लेकर जा रहे हैं। और ये देखिए हम लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बाहर आ चुके हैं, और देख कर आपको पता लग गया होगा कि लाइट विभाग का ये विभाग है। तो ये भी फिफ्थ फ्लोर पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो बच्चों ने इसे बनाया हुआ है। और फिफ्थ फ्लोर पे इलेक्ट्रिकल की सिर्फ एक विंग है, इलेक्ट्रिकल में एडमिशन काफ़ी कम होते हैं। देख सकते हैं फिफ्थ फ्लोर पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस यहीं पर चलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2011 से 15 के बैच के बच्चों ने स्टूडेंट ने बनाया था, काफ़ी बेहतरीन, तब से यहीं पर रखा हुआ है। दोस्तों ये हम लोगों का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ये जो ब्लॉक था, यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पर, यहाँ फिफ्थ फ्लोर पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलती हैं। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो पहले फिफ्थ फ्लोर पे पढ़ते थे, उसके बाद सेकंड फ्लोर पे ट्रांसफ़र हो गया था हम लोगों का। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से यादें जुड़ी हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप फिफ्थ फ्लोर पर आ सकते हैं, और 4 साल की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, आपको प्यार भी हो सकता है, दिल टूट भी सकता है, धोखा भी मिल सकता है, दोस्ती कई सारी होंगी, उसके अलावा काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें यहाँ पर आकर ताज़ा हो रही है। अगर आप भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप भी अपने कॉलेज का व्लॉग बनाएं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम इससे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, सिक्स फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने में पैर दर्द हो जाता है, अगर 9 से 5 आप क्लास करते हैं तो पैर यहाँ पर दर्द होने लगता है। उसके अलावा लिफ्ट का यूज़ तो मैं ज़्यादा करता था। तो साथियों यहाँ पर ऊपर आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, जहाँ लाइब्रेरी कार्ड आप बनवा सकते हैं, तो लाइब्रेरी कार्ड बनवाकर आप यहाँ से किताबें ले सकते हैं, उसके अलावा खाली टाइम में जाकर यहाँ पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शांति रहती है। उसके अलावा बीबीडी में ऊपरी फ्लोरों पर काफ़ी शांति रहती है, नीचे तो काफ़ी ज़्यादा शोर रहता है, और शोर हो भी क्यों ना, इतने सारे बच्चे रहते हैं। और ये देखिए कंप्यूटर लैब ऊपर है, यहाँ पर कंप्यूटर लैब आपको 4 मिल जाएगी, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ही यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं। वो देखिए ऊपर से बीबीडी कैंपस का नज़ारा कितना बेहतरीन दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अब तो बीबीडी वाले पेज पर रील्स भी बनने लगी हैं। उसके अलावा हाईवे का नज़ारा आप खुद ही देख सकते हैं सबसे टॉप फ्लोर से। तो बीबीडी कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा है, अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो या आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं सब कुछ जानता हूँ बीबीडी के बारे में, छोटी से छोटी चीज़ें मैं जानता हूँ, एकदम बारीकियाँ जानता हूँ। ये देखिए ऊपर नाइन्थ फ्लोर पर एग्ज़ाम सेल आपको मिल जाएगा, जहाँ से एग्ज़ाम रिलेटेड या एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप क्वेरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके अलावा एग्जामिनेशन सेल में आप अपने एडमिट कार्ड से लेकर कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन सेल जो नाम है 9th फ्लोर पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह हैं, पहले प्रैक्टिस 9th फ्लोर पर होती थी, जैसे कि कोई करिकुलम एक्टिविटीज, डांस, फाइन आर्ट्स, उसके अलावा अब 8th फ्लोर पर होने लगी है, कुछ चीज़ें बदल गई हैं। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको टीचर मिल जाएंगे। उसके अलावा एनसीसी का कैडर भी यहाँ है, एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम का कैडर भी यहाँ पर है, तो आप दोनों में से जिसके लिए एलिजिबल हो तो इसको ज्वाइन ज़रूर करिए, मैंने एनएसएस के लिए काफ़ी काम किया है। उसके अलावा ये देखिए क्रिएटिव बच्चों ने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनाई है, सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों का है। आप जानते हैं कि देश में इंजीनियर चपरासी भी बनता है, प्रधानमंत्री भी बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, और अच्छा इंजीनियर भी बनता है, चाय का ठेला भी लगाता है। तो इंजीनियर यहाँ पर बनाकर छोड़ गए हैं सारी चीज़ें, आप खुद ही देख सकते हैं कितनी क्रिएटिव चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो बीबीडी का काफ़ी ज़्यादा नाम है, यहाँ का प्लेसमेंट भी काफ़ी बढ़िया, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका प्लेसमेंट भी बढ़िया जगह हो जाएगा। और ये देखिए बीबीडी के बाहर निकलते ही पीछे वाला लुक काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, इसका आर्किटेक्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, यहाँ फ़ोटो एक नंबर आती है, बाहर लगे हुए पेड़
काफ़ी ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। और जो इसके बाहर ग्राउंड है वहाँ पर सर्दियों में धूप लेने का अपना एक अलग ही मज़ा है। पार्किंग की एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई से बोर हो जाएं या आप टायर्ड फील करने लगें तो यहाँ पर बहुत बढ़िया एक कैंटीन है। देखिए सामने तरफ कैंटीन है, कॉलेज की कैंटीन वैसे भी काफ़ी फेमस होती है। उसके सामने शीला देवी और निर्मला देवी गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पर, लेकिन अब एक हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल हो गया है शायद। उसके अलावा यहाँ की कैंटीन काफ़ी बढ़िया, काफ़ी लाजवाब है, बीबीडी की कैंटीन। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इसका नाम कभी सबसे पहले खातिरदारी हुआ करता था 2015 में, फिर उसके बाद टेम्पटेशन हुआ, बीजी रेस्टोरेंट है। अब क्या हो गया है आप लोग कमेंट्स करके बताइए। कुल मिलाकर काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा बीबीडी 90.8 FM भी यहाँ पर है, जो कि समय समय पर तरह तरह के प्रोग्राम करवाता रहता है। देखिए कैंपस कितना बेहतरीन दिख रहा है। बीबीडी के अंदर डेंटल कॉलेज भी है, देखिए सामने एक तरफ उसकी बिल्डिंग है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, बीबीडी के अंदर 6 बिल्डिंगें हैं। और ये देखिए ऑफिस डीन वेलफेयर सोसाइटी का है, जिसमें रिजवी सर बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है वो। और ये देखिए स्पोर्ट फेस्ट चल रहा है, इसका भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेवल का फेस्ट होता रहता है। उसके अलावा इंडिया भर से टीमें आती रहती हैं। सबसे बड़ी बीबीडी की खासियत ये है, तो इसका कैंपस इतना हरा भरा, उतना बेहतरीन है कि पूछिए मत। पहले पार्किंग पेड थी, अब निःशुल्क करा दी गई है, क्योंकि मैंने कभी पैसा नहीं दिया कॉलेज में। उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए ये सब गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि कैंपस के बीचों बीच में है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विद्यावती हॉस्टल मिल जाएगा, जो कि काफ़ी पंचायती हॉस्टल के नाम से मशहूर था, ये सबसे पहले मिल जाएगा। उसके अलावा 2 हॉस्टल गर्ल्स के और हैं, जो कि कैंपस के बिल्कुल बीचों बीच है। ये हॉस्टल भी गर्ल्स का है। तो ये बीबीडी गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें डेंटल की लड़कियां ज़्यादातर रहती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शांति पसंद करती हैं और काफ़ी सुकून शांति भरा भी हॉस्टल है। और बीबीडी के जो गार्ड हैं उनके अंदर एक खासियत है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के देसी रंग में रंगे रहते हैं, बिल्कुल तैनाती से ड्यूटी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और ये लास्ट वाला हॉस्टल जो है, ये शैल गुप्ता गर्ल्स हॉस्टल है, ये भी लास्ट हॉस्टल है, काफ़ी बढ़िया हॉस्टल है। और सामने की तरफ आपको दिख जाता है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता ऑडिटोरियम, जहाँ पर आप तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ऑडिटोरियम इतना बेहतरीन है कि पूछिए मत। इसका साउंड क्वालिटी JBL की है, काफ़ी अच्छी है, और अंदर बनावट भी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। आप डांस परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसके अलावा नाटक कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने तो 4-5 साल लोगों से करवाया, देखिए डेस्क पे बच्चे बैठे हुए हैं। उसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लड़के बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैठ नहीं पाते हैं, सामने कैमरा लगा हुआ है, वार्डन डांट भी देती हैं कभी कभी। उसके अलावा स्पोर्ट फेस्ट में उत्तर प्रदेश भर से टीमें यहाँ पर आई हुई हैं, इवन उत्तर प्रदेश के बाहर से टीमें कभी कभी आ जाती हैं। ये देखिए फेस्ट हो रहा है, यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट आपको मिल जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा, क्रिकेट का काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। और सामने है सबसे प्रसिद्ध ताऊ कैंटीन, जो कि स्टेडियम कैंटीन है, काफ़ी बेहतरीन है, शाम में यहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जैसा मैं बता रहा था, इन्वायरमेंट का बीबीडी ने काफ़ी ख्याल रखा है, यहाँ ग्रीनरी काफ़ी बेहतरीन है। देखिए आम का पेड़ है, आम के दिनों में लड़कियाँ इसके आम तोड़ तोड़ कर भी खा जाती हैं पकने से पहले ही। भैया देखिए सामने की तरफ डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम है, मैं आपको अंदर की तरफ आपको लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा। स्टेडियम पहुंच चुके हैं, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, मुंबई इंडियंस की टीम भी यहां पर आ चुकी है, और आज स्पोर्ट फेस्ट यहां पर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहां पर। और देखिए प्रदेश भर के आए हुए खिलाड़ी यहां मैदान पर हैं, खेल अभी ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीबीडी में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा जगह दी जाती है। अगर आप सिंगर हैं या किसी अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डांसिंग फील्ड में अपनी फील्ड बनाना चाहते हैं, या अलग कॉलेजों में जाकर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो बीबीडी में एडमिशन जरूर लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा क्रिएटिव मैदान आपको पूरे लखनऊ में ही मिलेगा, या यहाँ मिलेगा या MET में मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा लोगों को दिया जाता है। उसके अलावा देखिए पुलिस यहाँ पर लगी हुई है, बाहर के लोग आए हुए हैं, सिक्योरिटी काफ़ी यहाँ की टाइट रहती है। और इसी के पीछे बॉयज़ हॉस्टल है, फर्स्ट ईयर का हॉस्टल सामने है, बाकी ये सामने जो दिख रहा है ये सीनियर लोगों का हॉस्टल है। तो बॉयज़ हॉस्टल थोड़ा 1 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, उन लोगों को चलना पड़ता है, लेकिन बॉयज़ तो चल ही सकते हैं। और यहाँ पर स्टेडियम में देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और स्टेडियम में शाम के समय काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ पर क्रिकेट भी होता है, फुटबॉल भी होता है,
उसके अलावा यहाँ शाम में रनिंग करने का अपना अलग मजा है। क्या नाम है आपके? कौन से कॉलेज से हैं? आगरा। आगरा से। तो क्या किस स्पोर्ट में आपको मिला है, दिखाएंगे? कबड्डी। तो भाई लोग, ये कबड्डी में इनको अंकित त्यागो को ये मिला है। तो आगरा से आप लोग आए हैं, तो अपने बारे में, कॉलेज के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, मतलब कबड्डी के बारे में, कॉलेज के बारे में कुछ। कबड्डी की टीम बढ़िया है। तो बीबीडी कैसा लगा आपको? बीबीडी बहुत बढ़िया। बीबीडी बहुत बढ़िया है। तो चलिए ब्लॉग्स पे चलते हैं। उसके अलावा ये देखिए सिराज भाई फोटोग्राफर हैं, फोटो खींच रहे हैं। ये बीबीडी के बहुत पुराने फोटोग्राफर हैं। हाँ कनिष्का, बताइए कौन? क्या कनिष्का? खड़ी हुई पहले। कनिष्का नाम है आपका? तो आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी हुई है? डिसिप्लिन इंचार्ज पे। डिस्प्ले इंचार्ज है, तो डिस्प्ले आप सही से देख रही हैं? अरे मैं खुद ही डिसिप्लिन हूँ। तो आप इन डिस्प्ले कहाँ हैं? आप इन डिस्प्ले कहाँ हैं? शैतानी माइंड होता है ना। अच्छा, शैतानी माइंड है। तो ईयर कौन सा है आपका? सेकंड ईयर में इतना शैतानी माइंड। तो फोर्थ ईयर आते आते आप क्या करेंगे? अच्छा भोकाल। तो कहाँ के रहने वाली हैं आप? बांदा जिला। ओह, तो सिराज कहाँ जा रहे हो? कैंटीन है, काफी पुरानी कैंटीन है। ताऊ आज हमें मिल गए। ताऊ जी, ये कैंटीन कब से है यहाँ पर? 20 साल पुरानी कैंटीन है। हाँ। और यहाँ पे बहुत बढ़िया से व्यवस्था रहती है, बच्चे यहाँ खुश रहते हैं, पैसे हो तो खा जाए, नहीं हो तो खा जाए। बहुत पुराने पुराने बच्चे हमको मिलते हैं, 10-10 साल पुराने बच्चे हमको यहाँ मिलते हैं। कहीं एयरपोर्ट मिल जाते हैं, कहीं कहीं मिल जाते हैं, तहसील में मिल जाते हैं, सब बच्चे बहुत खुश रहते हैं हमसे। ये ताऊ है, वहाँ की कैंटीन जो आगे वाली है वो तो साल दर साल बदलती रहती है, लेकिन 20 साल से ताऊ की कैंटीन बनी है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है, ताऊ बहुत मिलनसार आदमी है। उसके अलावा पैसे हो तो खाइए, ना पैसे हो तब भी खाइए, इसलिए ताऊ से सब प्रेम करते हैं। और ताऊ बीबीडी संस्था का एक पुराना हिस्सा है। बाबू बनारसी दास जी के जमाने से, अखिलेश दास जी, अखिलेश दास जी के जमाने से ताऊ जी हैं। ताऊ जी मान नाम सुनता। तो दोस्तों, ये हैं छेदी चाचा। उसके अलावा मैं आपको एक बात पर्सनली बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग गार्डों से बना कर रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि गार्ड काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हूँ, आपकी हेल्प भी काफ़ी बड़े स्तर की कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं आपको सारी परेशानी का हल दूँगा। ताऊ की कैंटीन थी सबसे बेस्ट ट्रिप कैंटीन अगर कोई है, कपल्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेहतरीन कैंटीन ताऊ कैंटीन है अपनी। कैंपस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके अलावा यहाँ की शाम भी काफ़ी सुहानी है, खासकर कपल्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन शाम है। यहाँ पर पिया मिलन चौराहा भी आपको मिल जाएगा अंदर की तरफ। हम लोगों ने 5-6 साल यहाँ गुजारा है, तो जैसे मूवियों में लाइफ गुजरती है वैसे ही हमने यहाँ पर लाइफ गुजारी है। उसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। आई होप आप लोगों को कैंपस टूर काफ़ी बढ़िया लगा होगा। और आप लोग को कोई क्वेरी हो, क्योंकि मैं यहाँ का पुराना स्टूडेंट हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो कॉमेंट करिए, मैं आपको समस्या का हल देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।